वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं तुहानूं बाबा श्री चंद जी नाल संबंधित इक साखी दसन जा रहे हाँ। इस साखी विच असीं तुहानूं दसांगे कि किस तरह बाबा श्री चंद जी ने पेशावर विखे चमत्कार कीते। एक दिन जदों भगवान बाबा श्री चंद जी पेशावर गए तां उहनां ने अपने आसन मसीद दे लागे लगा लए। काजी मुल्ले बहुत ज्यादा नाराज होए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक हिंदू वीर मसीद के लागे आसन लाई बैठा है। वह बहुत ज्यादा निराश होए अते बुरा भला सोचन लग पे अते बाबा श्री चंद जी ने बुरिया भलिया कहन लग पे। जद भी नमाज पढ़न काजी अते मुसलमान जांदे उसे वेदे संख कड़ियाल वजन लग पैंदे। तां एक दिन काजी कठे हो के भगवान जी दे पास आ गए अते कहन लगे आसन चुक लवो क्योंकि साड़ी नमाज विच विघन पैंदा है। बाबा श्री चंद जी बोले असी तां इत्थे ही रवांगे। तां सारे मुसलमान काजी यूसफ दे पास चले गए। बाबा श्री चंद जी दी राजे कोल शिकायत करन वास्ते उह काजी दे कोल गए। उह बोले एक हिंदुआं दा पीर आया है मसीद दे पास कड़ियाल वजा के साडी नमाज विच विघन पा रहा है। तां यूसफ भी गुस्से विच आ गया अते भगवान प्रति बोलिया कि आप इत्थों आसन चुक लवो। काजी ने बाबा श्री चंद जी कोल जा के कहा। बाबा श्री चंद जी प्यार नाल बोले साडा आसन तां इत्थे ही रहेगा क्योंकि असी इत्थे ही भगती विच मगन हाँ। जद यूसफ ने बाबा श्री चंद जी नूं कहा कि असी इत्थे घोड़े बनने हन तां भगवान जी ने कहा कि ठीक है जे तुसी घोड़े बनने हन तां असी अपना आसन चुक लैंदे हाँ। तां बाबा श्री चंद जी उत्थों चले गए। जद भगवान जी उत्थों चले गए तां घोड़े उत्थे लियाण दी कोशिश कीती तां घोड़े सारे बीमार पै गए अते मरन लग पवे। यूसफ नूं समझ आ गई कि इह सारा भगवान जी नूं तंग करन दा नतीजा है। तां उहनां ने बाबा श्री चंद जी कोल जा के मुआफ़ी मंगी अते महाराज नूं उत्थे लै के आए जिथों बाबा श्री चंद जी नूं भेजिया सी अते उन्होंने वादा किया कि मैं इत्थे मंदिर बनावांगा। पर जदों काजी वापस महलां विच चला गया तां इरादा बदल गया। शेर उसके सुपने विच आया ते उसनूं तंग किया। फिर काजी सवेरे उठिया अते मंदिर बनाउण लई तैयार हो गया। सवेर उठते ही यूसफ ने मजदूर ला दिते अते मंदर तैयार करवाना शुरू कर दिता। उस मंदर दा नाम बाबा श्री चंद जी धर्मशाला रख्या है अते दिन रात उत्थे जोत जगदी रहिंदी है। उत्थे ही एक दिन बाबा श्री चंद जी उपदेश दे रहे सन तां उहनां दा एक भगत सी जिसका नाम भाना राय सी। उस ओह एक बहुत वड्डा व्यापारी सी। उसका जहाज डुब रहा सी। उसने बाबा श्री चंद जी नूं सच्चे मन तों याद कीता। बाबा श्री चंद जी सभा विचों अलोप हो गए अते भाना जी दा जहाज कंडे लगाया। थोड़ी देर उपरंत बाबा श्री चंद जी वापस संगतां विच आण के उपदेश देण लग पए। कुछ दिन बाद भाना राय जी ने आण के संगतां नूं सारी कथा सुनाई। भाना राय जी ने 500 मोहरां बाबा श्री चंद जी दे चरणां विच रख के सेवा कीती अते कुछ दिनां बाद बाबा श्री चंद जी को आग्या लै के घर नूं चला गया।
बाबा श्री चंद जी ने अपने भगत की रक्षा की। बोलो भगवान बाबा श्री चंद महाराज जी की जय।